और चाहिए तुमको? शहर जैसा चाहिए। शहर जैसा चाहिए? हाँ, हाँ। यहाँ की नाली देखी, यहाँ की रोड देखी, यहाँ का बाथरूम देखिए, यहाँ का पूरा बाथरूम बेकार है, यहाँ पे जनता नहीं रहती है, यहाँ पे दुष्ट खराब शराब आदमी रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं। पूरे खड़ंजवा उजड़ गई, मिलावट का सामान हाँ, बालू बालू पे सीमेंट का बेच गई ना प्रधान लोग, सीमेंटवा कहाँ गए? घर से लेके आई लाला ना लगाई ला। कोई पिला नहीं देगा, हम नहीं पिएंगे तो आप जबरदस्ती पिला देंगे। जो लेने वाले लोग रहते हैं जा करके लेते हैं, तो लोग लेते हैं पीते हैं अपना बेसिस वोट देते हैं, जो भी वो अपना करते हैं अपने हिसाब से। पैसा वैसा बटा रहा दारू मुर्गा, कह रहे थे कि विकास के नाम पे तो वोट दिया नहीं जाता है गाँव में, क्या कहेंगे? सच्चाई है, ईमानदारी से बताइए, सच्चाई तो है ही ना? हाँ, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। जीवन दीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है आधुनिक मशीनों तथा वेंटिलेटर युक्त सुविधा, आईसीयू एवं एनआईसीयू, ब्रेन एवं स्पाइन सर्जरी, बर्न एवं ट्रामा तथा डायलिसिस की सुविधा, सभी लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जरी, घुटनों एवं कूल्हा प्रत्यारोपण, 24 घंटे इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा परामर्श की सुविधा। हमारा पता है फातिमा बाईपास रोड, निकट श्री राम चौराहा, गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। ग्राम सभा सियापार में मौजूद है, बहुत सारे गांव की जनता है, प्रत्याशी भी मौजूद हैं, महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में जो वादे हुए थे वो हो पाया है या नहीं हो पाया है, आगे क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का बदलाव जो ये गांव है वो देखना चाहता है। अम्मा क्या नाम है आपका? गौरी देवी। गौरी देवी, विकास विकास हुआ है गांव का? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सड़क, शौचालय, आवास, कुछ भी व्यवस्था? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। शौचालय चलने दिए हैं? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तो जो आप लोग पूछे कि क्यों नहीं मिल रहा है, व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? कुछ नहीं दिए हम, नावे गाँव नहीं, हम लोग कर ले गए, हम लोग क्या बताएंगे क्या कहेंगे, कुछ नहीं। अम्मा शौचालय मिलल बा? मिलल बा, गिरत बा। गिरत बा? अच्छा, अच्छे से नहीं, मतलब ईटा ईटा अच्छे से लगाया गया है? नहीं, झीन झीन बनल बा। झीन झीन बनल बा? अरे झीन बनल बा ना, झीनो बनल बा कि नहीं बनल बा? बनल बा। अब राशन कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड कुछ बा? उज्जर है। हाँ, उज्जर है, उज्जर वाला है। अच्छा, आप महिला है, बताइए विकास काम हुआ है? प्रधान जी जो वादे करते हैं, एक जो पर्ची लंबी थमाई जाती है, वो पूरे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? पूरा हो पाते हैं, जब मजदूरी लोग हैं, मजदूरी करके तभी न खाएंगे कोई। हाँ। प्रधान है, किसी का रोजी रोटी चलाएंगे? नहीं, रोजी रोटी तो नहीं चलाते, लेकिन सरकार जो सरकार जो देती है, मान लीजिए सरकार जो योजना। हाँ। देती है। हाँ। वो जो लोग उन लोगों के संपर्क में है उनको देंगे कि हम लोगों को? गाँव के सभी जो गरीब है, जो दुखिया है, जो सशक्त नहीं है, उनके लिए तो सरकार देती है योजना, उनको देती है। जब उन लोगों के पास पहुँचेगा तब न जानेंगे। हम लोगों के पास सिर्फ 20 किलो राशन मिलता है, 5 लोग हैं यूनिट है, और बस राशन कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, बस वह राशन जो मिला ला 5 किलो वह भर है। अच्छा, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं होता? कुछ युवा भी हैं, युवाओं से भी बात करेंगे, क्या स्थिति है गांव की? एकदम बुरा हाल बा, बुरा हाल बा एकदम। कुछ रोजगार, रोजगार कुछ भी ना है ना। तो प्रधान जी से आप लोग बोलते नहीं, आप लोग तो युवा है, आप लोग तो बोल सकते हैं ना कि जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? इतना दिन हो गए, 30 साल अभी हमारे पेंशन नहीं उठो बना ला दिन, 30 साल हो गए और पेंशन ही नहीं मिला, वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिलता है। सरकार तो पूरा नहीं कही पहले, प्रधान जी कही पाई है कहाँ से? अरे तो सरकार देती है, बजट पेश होता है, बजट के थ्रू दिया जाता है ना, पचन खा के बैठ जाता है, यानी अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ यहाँ तो नाली ढकी हुई है, हमारे यहाँ तो नाली पूरा एकदम खुलता है, पूरा एकदम। हाँ, आगे आपका टोला है? हाँ। अच्छा, बड़ा गाँव, बड़ा गाँव वहाँ की स्थिति और जल्द, और इससे ज्यादा गंदगी है वहाँ पे, गंदगी इतना। सड़क बा हमारे गाँव पे, सड़क भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो अभी पिछले साल लगल बा, अभी 6 महीना ना लगल, पूरे खड़ंजवा उजड़ गई, मिलावट मिलावट का सामान। हाँ, सब एकदम बालू बालू पे सीमेंट का बेच गई ना प्रधान लोग, सीमेंटवा कहाँ गए? घर से लेके आई लाला ना लगाई ला। हाँ, मतलब बहुत बुरी स्थिति है, एकदम बिल्कुल है। क्या कहेंगे, युवा है आप लोग? बहुत बुरा स्थिति है, जो बोल रहा वो सत्य है, जो बोल रहे सत्य है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है, एकदम खुल के हम बता रहे हैं, खुल के ही बताइए, छुपाने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल है एकदम। भगवा कपड़ा पहने,
बताइए। हाँ बताइए। हाँ बताते ही बता दीजिए। एकदम एक बिल्कुल काम नहीं है, थोड़ा सा भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी देखिए अपना काम किया है जो। मतलब बहुत नाराजगी है, दोबारा चुनाव लड़ रहे कौन है प्रधान जी? कौन दोबारा जी? दोबारा लड़ रहे हैं प्रधान जी? अब नहीं आ पाएंगे, अब नहीं आ पाएंगे, इस बार बदलाव चाहिए आपको। बहुत ज्यादा बदलाव चाहिए, बढ़िया चाहिए। अच्छा ठीक है, जो गांव के लोग है नाराजगी देखी जा सकती है। मैं अपने अगल बगल बता दूं कि कैमरामैन से की भीड़ आप दिखा दीजिए कि सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है। प्रत्याशी हमारे साथ है, उनसे भी बात किया जाएगा, महिला है, महिला। और मैं गोरखपुर लाइव की तरफ से मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी महिला प्रत्याशी लड़ रही है सबके पास जा रही हूं, क्योंकि सरकार मौका दे रही है और जनता मौका दे रही है, तो वो एक महिला होने के नाते क्या बदलाव देखना चाहती हैं समाज में? बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, क्या उम्मीद? गांव के लोगों में बहुत नाराजगी है पुराने प्रधान जी से, आप प्रधान का नाला चाहिए बरात रहे के। हम लोग को आई मामा जी आई अभी बात करें, पहले प्रत्याशी से हम बात कर ले, क्या क्या बदलाव आपको लगता है गाँव में? गाँव में बहुत सारी शिकायतें भी है कि यहाँ कुछ भी है नहीं व्यवस्थित, सिलाई सेंटर नहीं है गांव में, सड़कें नहीं है, पानी आरओ का प्लांट नहीं है, लाइट वाइट नहीं है, ये सब चीज की सुविधाएं हमको होना चाहिए, और जो जो शहर की सुविधा हो वो गांव में भी होनी चाहिए। शहर में सुविधाएं देखने को मिलती है वो आप यहाँ पे भी देखना चाहती है। हमारे साथ और भी मौजूद है, क्या स्थिति है गाँव की, क्या बदलाव आप आएंगे, आप लोग से उम्मीदें की जा रही है, प्रत्याशी है आपकी वाली, क्या आप बदलाव चाहते हैं? देखिए मैं तो सबसे पहले आप गोरखपुर लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के आप हमारी ग्राम सभा की जन समस्याओं को प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो तहे दिल से गोरखपुर लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं यहां पे बहुत सारी हैं, मैं लोगों के बीच में घूमता हूं और मैं देख रहा हूं कि यहां पे नाली की जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल बहुत खराब स्थिति में, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है यहां पे, और दूसरी चीज नौजवान साथियों के लिए बिल्कुल यहां पे कुछ नहीं किया जा रहा है, ना यहां पे कोई जिम है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं, और इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वरोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपने ये मुझे लिस्ट दी थी, इसमें आपने लिखा है नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना आप करना चाहते हैं, स्थिति खराब है यहाँ पे क्या? बहुत बहुत खराब स्थिति है, हमारे नौजवान साथी बिल्कुल नशे में डूबे हुए हैं, और मुझे बहुत दर्द होता है ये देख के कि हमारे गाँव का नौजवान जो है नशे में है, डूबा हुआ है, परेशान है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उन घर की महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है इस नशा की वजह से, वो परेशान है, आए दिन घरों में मारपीट होता है, और मैं सारे लोगों सारे नौजवान साथियों से भी अपील करूंगा कि आप नशा जो है छोड़े इसको और अपने करियर की तरफ ध्यान दें, जिससे आपका भी और आपके परिवार की भी तरक्की हो, और उसी के तहत मैं इस गांव में चाहता हूं कि एक नशा मुक्ति केंद्र भी खोला जाए, जिससे हमारे नौजवान साथियों को उनसे छुड़ाया जाए। जो अम्मा थी, हमने जब पिछले धर्मशाला की बात आप करके, बारात रुकने का कोई व्यवस्था नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं, बारात आती है तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं, कहाँ रुकती है बारात कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बारात भी नहीं है। पंचायत भवन वगैरह का क्या स्थिति है? पंचायत भवन की स्थिति इस टोले पे स्पेशली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना बारात घर है, ना ग्राम प्रधान कार्यालय है, ना पंचायत भवन है, दो एक टोलों पे है भी लेकिन बहुत जर्जर स्थिति में, आप शायद पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ पे, अगर देखती तो आप देखेंगे कि बहुत ही जर्जर स्थिति में, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो बहुत बदतर स्थिति में तो सचिव कहाँ बैठेंगे, प्रधान कहाँ बैठेंगे, जब आवास और कार्यालय ही नहीं बनाया गया है तो लोगों की शिकायतें कहाँ सुनेंगे, जितना पैसा आ रहा है वो जा कहाँ पे रहा है, ये सवाल बहुत अहम है। आपने इसमें लिखा है कि क्या बोलते हैं, आप स्वरोजगार पैदा करेंगे, कैसे? गांव के युवा बहुत सारे हैं, आप प्रत्याशी हैं, बताइए, एक मैसेज दीजिए किस तरह से स्वरोजगार की बात। देखिए मिनी स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं हमारे सराउंडिंग एरिया में, जैसे गीडा में भी हैं और गोरखपुर में भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जिसको गांव में लाया जाए तो उसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे देखिए आप मैच स्टिक का काम गाँव में होता है, बहुत सारे गाँव में मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वहाँ पे महिलाएं बनाती हैं, सिलाई का भी काम करती हैं, मोमबत्ती बनाती हैं और भी कैंडी वगैरह भी बनाती हैं, जो मुरब्बा वगैरह बनता है, तो वो रोजगार मैं चाहता हूं इस ग्राम सभा में जो गरीब लोग हैं उनके घरों तक पहुंचे और वो फीडिंग कराई जाए उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ताकि हमारे गांव के गरीब जो महिलाएं हैं, गरीब परिवार जो है उनको रोजगार पैदा किया जा सके। अच्छा जी, और भी लोग हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दो में। गांव में तुमको रोड रोड अच्छा लगता है? नहीं नहीं अच्छा लगता है, कैसा रोड चाहिए तुमको? शहर जैसा चाहिए। शहर जैसा चाहिए? हाँ, यहाँ की नाली देखी, यहाँ की रोड देखी, यहाँ का
बाथरूम देखिए, यहाँ का पूरा बाथरूम बेकार है, यहाँ पे जनता नहीं रहती है, यहाँ पे दुष्ट खराब शराब आदमी रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं। देखिए ये छोटी सी बच्ची है, इसको भी यहाँ की स्थिति पता है कि जो यहाँ की सड़क है इनको शहर की तरह चाहिए, क्योंकि जब ये शहर जाती होंगी तो वहाँ की जब सड़क देखती होंगी तो इनके मन में भी वो लालसा आती होगी कि हमें भी वो सड़क चाहिए जो सरकार बोलती जा रही है सबको पढ़ाए सबको पढ़ाए। ये छोटी सी बच्ची है, ये काफी पढ़ लिख ली है मेरे ख्याल से, और इसको ये पता भी है, और उसकी आंखों में आप देख सकते हैं कि आंसू आ गए हैं। अब देखिए वो रोने लगी, क्यों रो रही हो, क्यों रोने लगी, लग गई। अरे तुम बहुत अच्छा बोली हो, बहुत अच्छा बोली हो, रोना नहीं है, एकदम अच्छा बोली हो। देखिए ये स्थिति है गांव की, और हम जब गांव में घूमते हैं और लोगों तक पहुंचते जो सच्चाई है वो आप देख सकते हैं। उसका देखिए वो रोने लगी, रो नहीं रो नहीं, बहुत अच्छा बोली हो तुम। ये स्थिति देखिए, बच्ची जो है वो भावुक हो गई, इसको लगा अचानक सवाल पूछ दिया गया है। तो ये जो स्थिति है ये मुझे लगता है गांव में देखिए बहुत खराब स्थिति में है, सियापार की स्थिति विगत 10 सालों में, 5 सालों में नहीं, विगत 10 सालों में जो है जो भी नौजवान साथी प्रधान रहे यहाँ पे, पूरे ग्राम सभा को डुबाने का काम किया, पूरे नौजवान साथियों को नशा में डुबाने का काम किया। अगर मैं ये कह रहा हूँ आपने इतना अच्छा काम किया तो आप काम के बिहार पे वोट मांगे, मुर्गा खिला के हमारी आने वाले पीढ़ियों को खराब किया जा रहा है। शराब और मुर्गे का नाम इन्होंने लिया है, पीछे युवाओं से बात करेंगे, शराब वराब मिल रहा है, बटा रहा है, ईमानदारी से बता। हम तो पीते नहीं करते, अरे तुम पीते नहीं हो, बटा तो रहा होगा ना, ईमानदारी से बता रहा है ना, बिल्कुल बटा रहा है, पूरा विकास के नाम पे वोट मांग रहा है कोई आज के समाज में, नहीं बस बस पैसा बट रहा है, जेबें भरी जा रही है, पैसे से जेबें भरी जा रही है, और बहुत ज्यादा भरा था जिसके भरे इतने वाले, अभी बोल रहे हैं कि विकास कहाँ से होगा। साफ हो तो देखिए स्थिति ये देख लीजिए, इसी तरह का होता है, वाले लोग खुद पीते हैं, जबरदस्ती कोई पिला नहीं देगा, हम नहीं पियेंगे तो आप जबरदस्ती पिला देंगे, तो लेता है जो लेने वाले लोग रहते हैं वो जा करके लेते हैं, तो लोग लेते हैं पीते हैं अपना बेसिस वोट देते हैं, जो भी वो अपना करते हैं अपने हिसाब से, पैसा वैसा बटा रहा दारू मुर्गा, कह रहे थे कि विकास के नाम पे तो वोट दिया नहीं जाता है गाँव में, क्या कहेंगे, सच्चाई है, ईमानदारी से बताइए, सच्चाई तो है ही ना, हाँ इसमें तो कोई झूठ नहीं है, नहीं तो देखिए स्थिति देखिए इसी तरह की है, इसी तरह की है, तो उम्मीदें की जा रही है प्रत्याशी, अच्छा ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जीत जाते हैं तो भी जनता को भूल जाएंगे, आपसे ये सवाल लेंगे, ऐसी चीज तो नहीं है ना, ऐसी चीज बात नहीं है, प्रधान जो प्रत्याशी होता है तो हाथ जोड़ के विनती तो सबसे करता है लेकिन जीतने के बाद चेहरे भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच है कि गरीबों के लिए हम आगे कुछ करके दिखाएं, करके दिखाएंगे, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बताना से सब लोग पीड़ित हो गए हैं, और तुम रो नहीं, तुमने बहुत अच्छा बोला है, ठीक है, गांव यही है और स्थितियां यही है, बदलाव कब आएगा सवाल यही है, और सवाल ये उठता रहेगा, उठता रहा है, हम दिखाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, और जनता जनार्दन को जवाब मिलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है ये, ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत